लोग सोचते हैं मेरी बीवी मर गई तो मैं रंडवा हो गया हूँ। मैं रंडवा नहीं हुआ हूँ, मैं तो अभी दूसरी शादी करूंगा। मेरी बीवी मरने के बाद मेरी बॉडी में घुस गई है। ये देखो सोरी है मोटी भैंसी, आहा की मुच्छा है गिया। ओ ये मूछ नहीं है, ये मेरी चमेली दा प्यार है। ये मैंने चमेली दे वास्ते बड्डी बड्डी कीती है। मुझ नहीं मेरी चमेली है, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। ओ तेरी मैं थोड़ी जी हेल्थ भी बनावांगा। चल चमेली बाग में तेरे को मेवा खिलाऊंगा, तेरे को मेवा खिला के लसी वसी भी पिलाऊंगा। चल चमेली आओ ओफो मले कमीने। बड़ा अपने मूछों पे ताव फिरा रहा है। ये मूछ नहीं चमेली दा प्यार है। ओए मैं तेरी मूछ दी पूछ बना दूंगी। हाँ अरे तू कुछ भी कर, मैं जा रहा चमेली से मिलने। ओए शट अप, अंग्रेजी में गाली देती है, मैं तेरी जबान काट दूंगा। ओए तो मैं क्या छड़ दूंगी, मैं भी काट दूंगी। हाँ क्या काट देगी? ओए तेरी मूछ बेवकूफ, मूछ काट देगी तू। बड़ी ताकत है मोटी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा दो दो हाथ, अब ये ले। आ गई। लो आ गई तुम्हारी चमेली, सड़ी हुई छिपकली। अब इसकी खबर लेती हूँ। ओ मेरे चमेले, क्या बात है, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है? अरे भाई इधर मुंह करो, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है। हाय मैं मर गई, तेरी मूछ कहाँ गई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? देखना मैं तेरी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। नहीं नहीं मुझे ले मारना। पिछले 3 साल में सूर्या कई जुर्म कर चुका है, मगर पुलिस की फाइल में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। मुजरिमों की फाइल बनाना एसीपी के हाथ में है, वो चाहे किसी की फाइल बनाए या ना बनाए। कानून एसीपी साहब की जागीर नहीं है जो जिस तरह चाहे चलाए। कानून किताबों में लिखे शब्दों की बुनियाद पर चलते हैं, और वो कानून मैं चलाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे सीने को तलवार की तरह काटती है कि सूर्या ने मेरे भाई को मार डाला, लेकिन मुझ पर गोली नहीं चलाई। मुझे क्यों नहीं मार डाला उसने? ये बात मुझे तड़पाती रहेगी जब तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ता। तुम जाओ। कौन भेजता है एसीपी साहब को ये फूल, और क्यों भेजता है? इनके आने के बाद ही वो मुझ पर बरस पड़ते हैं। संभालो अपने शेर को, रखो उसे पिंजरे में। इंस्पेक्टर किशन, मिस्टर किशन, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम पिस्तौल नहीं उठाओगे। फिर तुमने पिस्तौल क्यों उठाई? जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पिस्तौल उठानी पड़ती है सर। तुम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो। जरूरत है सर, इस शहर में जरूरत से ज्यादा काम करने की जरूरत है। मिस्टर किशन, इससे पहले डिपार्टमेंट तुम्हें सस्पेंड कर दे या तुम्हारा और किसी जगह ट्रांसफर करवा दिया जाए। बंद कर दो अपनी हरकतें। ये हरकतें तो अब सांस बंद होने के बाद ही बंद होगी सर। मिस्टर किशन बिहेवियर सर, हम बात करते हैं मुजरिमों पर और तकलीफ आपको होती है सर, आखिर क्यों? मिस्टर किशन माइंड योर लैंग्वेज। लगता है आपने अपनी वर्दी मुजरिमों को बेच दी है सर। सलाम, आपका गुस्सा चीख चीख कर यही कह रहा है कि आपने अपने कर्तव्य की शपथ तोड़ दी है सर। आई से गेट आउट। पता पता कौन है तू, क्या है तेरी असली, किसके लिए काम करता है तू? हाँ बोल, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने, क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने जो तूने इसकी जान ले ली? पता, वरना गोली मार दूंगा। मारने वाले सोचते नहीं,
सोचने वाले मारते नहीं। अगर मैंने तेरे भाई को मार डाला तो तुझे क्यों छोड़ दिया? यही सवाल तूफानी भंवर की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा है ना? अगर सत्य में विश्वास करता है तो सुन, गोली मारने से पहले मैंने उसकी जेब में वैष्णो माता वाला लाइटर डाल दिया था और उसी लाइटर पर मैंने गोली चलाई। वैष्णो माँ ने तो उसे बचा लिया, लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। तुम्हारा मिशन? कैसा मिशन? मैं एक कमांडो हूं, लंकेश्वर की लंका में घुसकर मैं उस दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं जो मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचता है। तुम्हारा मतलब लंकेश्वर का भी कोई बॉस है? लंकेश्वर तो सिर्फ एक धागा है, असली गुत्थी तो कहीं और उलझी हुई है। मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं। यानी कि एसीपी को भूल तुम ही? लेट्स गो सर, यहां ब्लास्ट होने वाला है। हम शपथ लेते हैं इस देश के एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे, इस धरती से भ्रष्टाचार और आतंक का नामों निशान मिटा देंगे, हर हाल में हम पूरी करेंगे अपनी शपथ। किशन, तुम यहां से निकल जाओ। लंकेश्वर का खास आदमी डॉक्टर सुब्रमण्यम आ रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम वो सीढ़ी है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम इस सीढ़ी का इस्तेमाल करो, जाओ। अयो रमुलल्ला इरके सूर्या, अयो सूर्या, अयो हमको तुम्हारा चैल बहुत पसंद आया जी। तुम्हारे लिए हम अपना इतना आदमी लेकर आए जी, तुम हमसे पहले चौरसिया का सब आदमी खत्म कर डाला जी। सूर्या, लंकेश्वर ये बात सुनेगा ना जी तो बहुत खुश हो जाएगा जी, बहुत खुश हो जाएगा। सूर्या के नजदीक आओगे सुब्रमण्यम तो चलकर खाक हो जाओगे। हाँ, अरे कितने कितने नहीं ढूंढा तेरे को मैंने, मैं तेनू कैसे समझाऊं कि वो चांटा मैंने तेरे को नहीं मारा था, मैंने नहीं मारा था। इससे पूछ फिर मुझे चांटा किसने मारा था? इसे चांटा किसने मारा था? वो मेरी मरी हुई बीवी है ना, उसकी आत्मा मेरे अंदर है ना, उसने इसको चांटा मारा था। देखो जी वो आदमी मुझे आंख मार रहा है। हाँ, मैं तो तेरे साथ कितना प्यार कितना प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। मेरा हाथ क्या कर रहा है? तूने मेरी बुलबुल आंख मारी? मैंने कब मारी? मारी है, मारी। मैंने नहीं मारी। तलवार जी, मैं तो इसे बदमाश को नहीं मार सकता। आप तो इतने हट्टे कंधे हैं, इसने मेरी महबूब की जीप कर दी। मारो इसे! नहीं, नहीं, नहीं! मारो और मारो इसको! अरे मरिया, मरिया ना! अंगूर की कुप पर अंगूर की बेल। शक्ति सिंह, मोहब्बत में अब तो सारे सितम तेरे सारे इश्क तेरे प्राण नहीं मोटी मैं बेल।
लगा जी? हाँ। किधर लगा जी? इधर लगा। इधर लगा जी? देखते हैं। Don't touch। इधर भी लगा। इधर भी लगा जी? अब देखते हैं। Don't touch। बेबी कैसे बात कर रहा था जी? हम तुमको टच नहीं कर रहा था, चेकअप कैसे करेगा जी? हम डॉक्टर है, सुब्रमण्यम स्वामी है, वेरी एडवांस। पहले ये तो जान लो कहाँ कहाँ चोट लगी है। बेबी तुम फिक्र मत करो, हम देखते जाएगा तुम बताते जाओ, देखते जाएगा तुम बताते जाओ। आप कैसे डॉक्टर हैं? यहाँ सबके सामने देखेंगे। अयो समझो जी, तुमको हमारा कंसल्टिंग रूम में चेकअप कर रहा मक्ता जी। नहीं तो? मेरे रूम में, रूम नंबर 107। अयो मुर्गा। क्या हुआ? बेबी तुमको मालूम तुम्हारा रूम नंबर 107 हमारा बॉडी का टेम्परेचर 107 दोनों मैच करता जी। यू नॉटी। ठीक 7 बजे मेरे रूम में। हाँ 7 बजे तुम्हारा रूम में? अयो मुर्गा इधर बैठा था जी। अयो बेबी हम 7 बजे आता जी। गुड इवनिंग सर। आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला हुआ लगता है। सर मैंने आपको गलत समझा, आप पर जो इल्जाम लगाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा। आज से आपका जो मिशन है उसमें हम भी शामिल है। अब सर ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ब्लू डायमंड होटल कविता के रूम में पहुंचेगा और कविता उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर सारे राज उगलवा लेगी। ओके सर। बेबी बॉटल खत्म। शैंपेन की हर बॉटल पीने के बाद तुम मेरा हुस्न देख पाओगे। कविता मैं तुमको छोड़कर दे जी, पूरा का पूरा कविता पढ़ेगा जी। देखो हेलो रूम सर्विस। यस सर। दिस इज 107। ऑर्डर प्लीज सर। टू चिल्ड बॉटल शैंपेन। ओके सर। हाँ अर्जेंट। थैंक यू। बेबी अब कविता का अगला लाइन शुरू करो जी। श्योर। थैंक यू। रुम नलेके डॉक्टर शैंपेन तो मंगा रहे हो मगर बिल का पैसा है ना तुम्हारे पास? अयो बेबी कैसे बात करते जी है? तुम डॉक्टर सुब्रमण्यम को क्या भिखारी समझते जी? हम पूरे का पूरा होटल खरीद सकते जी, लेकिन बेबी उससे पहले हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते जी। बेबी बॉटल खत्म, अब नेक्स्ट लाइन। व्हाई नॉट डॉक्टर, तुमने पैसे खर्च करने से पहले लंकेश्वर से परमिशन ली? अय्या हमारा कविता पढ़ने के बीच में लंकेश्वर किधर से आता जी? इसका मतलब तुमको लंकेश्वर से डर नहीं? और नहीं डरता जी। अब तुम भी मत डरो जी, हम उसको मार डालेगा जी। मगर कैसे? अब उसका बॉस को बोलेगा जी। लंकेश्वर का कोई बॉस भी है? आमा उसका भी बॉस जी। मगर बताओ कौन है वो? Hmm?